डोईवाला में परवादून बार एसोसिएशन के समस्त वकील तहसील प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ चुके हैं, जिसकी वजह है उनके चैम्बरों का ध्वस्तीकरण किया जाना। बता दें कि डोईवाला तहसील नए भवन में शिफ्ट होने के बाद परवादून बार एसोसिएशन द्वारा तहसील परिसर के बाहर चैम्बर बनाए गए थे, जिसे तहसील प्रशासन ने अवैध बताकर ध्वस्त कर दिया है। इसी बात को लेकर बार एसोसिएशन के वकीलों में खासा आक्रोश है और तमाम अधिवक्ताओं ने तहसील प्रशासन के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान परवादून बार एसोसिएशन के सचिव मनोहर सैनी ने बताया है कि डोईवाला के सभी वकीलों द्वारा पैसे एकत्रित कर तीन सेट के जरिए चैम्बरों का निर्माण कराया गया था, लेकिन तहसील प्रशासन ने उनके चैम्बरों को ध्वस्त कर दिया है, जिसकी वजह से वकीलों को कार्य करने में बाधा उत्पन्न होगी और इसी वजह से आज तमाम वकील तहसील परिसर में प्रशासन के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना देने को मजबूर हैं। सारे गरीब अधिवक्ता यहाँ डोईवाला के अंदर निवास कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक टीन सेट यहाँ पर जो रोड के किनारे में डाला हुआ था, प्रशासन के द्वारा एक बरसात का सहारा लेकर के और उसको तोड़ दिया गया है। अधिवक्ताओं ने अपनी कैसे कैसे आपको पता है कि अधिवक्ताओं को आज के समय में काम करने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, आप जब अधिवक्ताओं को जगह नहीं देंगे बैठने के लिए तो अधिवक्ता कहाँ बैठ करके अपना काम करेगा, कैसे जनता को अपना न्याय दिला पाएगा, कैसे जनता की वो पैरवी कर पाएगा, क्या ये अपनी कोर्ट तहसील प्रशासन अधिवक्ताओं के बिना करा लेगा? इसलिए हम आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हम अगर शासन प्रशासन हमसे बात नहीं करता है तो हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरना दें। प्रशासन द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के यहाँ पर जो अधिवक्ताओं के चैम्बर निर्माण हो रखे थे उसको ध्वस्तीकरण कर दिया गया, उसी के खिलाफ आज अधिवक्ता समाज ने राजस्व न्यायालय का कार्य बहिष्कार किया है और यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। पूरे तहसील प्रशासन के खिलाफ हम धरना दे रहे हैं क्योंकि तहसील प्रशासन से निरंतर हमारी वार्ता होती रही है कि ये जो चैम्बर हमारे बने हैं ये अधिवक्ताओं ने, जो गरीब अधिवक्ता है, टाइपिस्ट है, क्लर्क है, मुंशी है, सब ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके अपनी जीवन भर की पूंजी से ये चैम्बरों का निर्माण किया है। अगर आपको इसके लिए कोई दिक्कत है तो हम जो अपर न्यायालय हैं वहाँ से इसके खिलाफ स्थगन आदेश वगैरह ला सकते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा लगातार हमें आश्वासन दिया गया कि हम इस तरह की कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं करेंगे। बावजूद इसके कल शाम जब आंधी बारिश तूफान शांत हो गया था तो हमारे चैम्बरों का ध्वस्तीकरण कर दिया गया।